हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश। आप मुझे दोस्तों अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो आप। और आज का जो अपना वीडियो है दोस्तों, वो राजस्थान में एकीकरण के अंतिम चरण, अंतिम तीनों चरण है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, जो कि वर्तमान राजस्थान, राजस्थान संघ और संयुक्त वर्धित राजस्थान, इन तीनों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के संबंध में जो अंतिम तीनों चरण हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों संयुक्त वृहत राजस्थान का जो स्थापना है या उद्घाटन 15 मई 1949 को शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हो गया था, क्योंकि उस हमने पहले ही पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि मत्स्य संघ के ये शर्त रखी थी कि आपको राजस्थान या उत्तर प्रदेश किसी में भी मिलाया जा सकता है। तो शंकर देव राय की समिति गठित की गई, जिसके आधार पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान संघ, 26 जनवरी 1950। इसमें क्या हुआ था, संयुक्त रहत राजस्थान में सिरोही, माउंट आबू व देलवाड़ा वाले भाग को छोड़कर विलय कर दिया गया था राजस्थान संघ का। अब है वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुई थी। 1956 में फजल अली के नेतृत्व में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। फजल अली की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर ली तथा राज्य पुनर्गठित अधिनियम 1956 पास किया गया था उस समय, जो 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में क्या था कि अजमेर मेरवाड़ा उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश थे, वह मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की बानूपुरा तहसील का सुनेल टप्पा वाला भाग तथा सिरोही का माउंट आबू तहसील वाला भाग राजस्थान में मिलाया गया। झालावाड़ जिले की सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। इस दिन राजस्थान ए श्रेणी की प्रांतों की सूची में आ गया। ठिकाने निमराणा का विलय, अलवर कुशलगढ़ का विलय बांसवाड़ा तथा लावा का विलय जयपुर के साथ हुआ। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया तथा राजस्थान के गठन के पश्चात हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। और टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित, यह आप ध्यान रखें, राज्य के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो गठन के पश्चात, जो राजस्थान गठन के पश्चात सबसे पहले हीरालाल शास्त्री बने थे, लेकिन टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री थे तथा श्री नरोत्तम लाल जोशी को विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे। नेक्स्ट है अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था, जिसकी अलग से विधानसभा धार थी, जिसको धार कहते हैं, तथा हरिभाऊ उपाध्याय वहां के मुख्यमंत्री थे। नवगठित राजस्थान में 25 जिले बनाए गए थे उस समय, जिन्हें 5 संभागों, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा में विभाजित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उस समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र भी राजस्थान में मिला दिया गया था। अजमेर राज्य का 26वां जिला बना था तथा जयपुर संभाग का नाम बदलकर अजमेर संभाग उसका अलग कर दिया था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। पूछा जाता 26वां जिला बना तब राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राज्य का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था, कि पूछा जाता है सीधा सा। 1 अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने समाप्त कर दिया था, जबकि 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राज्य का 27वां जिला बना था, आप ध्यान में रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यह है कि 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने, एमएलएसयू सरकार ने तो संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था, जबकि 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने 6 संभागों, इसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में बांट कर संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया था। तो दोस्तों ये अंतिम चरण था जिसमें वर्तमान राजस्थान में अस्तित्व में आए थे जिले। इसके बाद और भी चलते रहेंगे, लेकिन यह तक माना जाता है नॉर्मल। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा।